नमस्कार। UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत का नाम एक बार फिर से जुड़ चुका है। सबसे ज्यादा वोटों के साथ भारत ने अगले 3 साल के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सदस्यता जीत ली है। यूनाइटेड नेशंस 193 सदस्य देशों की महासभा में भारत को एशिया से 188 वोट मिले, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत का एशिया पैसिफिक श्रेणी से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से शुरू होगा। यूनाइटेड नेशंस की 193 सदस्यीय महासभा ने UNHRC के नए सदस्यों का चुनाव किया है। गुप्त चुनाव के जरिए कुल 18 नए सदस्य चुने गए। परिषद में चुने जाने के लिए कम से कम 97 वोटों की जरूरत होती है, पर भारत को 91 मैक्स आवश्यकता से 91 वोट ज्यादा मिले। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कुल 5 सीटें हैं, जिनके लिए भारत के अलावा बहरेन, बांग्लादेश, फिजी और फिलीपींस ने भी अपना दावा पेश किया था। 5 सीटों के लिए 5 दावेदारों के होने से इन सभी का अनकंटेस्टेंट इलेक्शन लगभग तय था। जहां भारत के बाद सबसे ज्यादा वोट जिस देश को मिले वो था फिजी, जिससे कुल 187 वोट मिले। इसके बाद तीसरे नंबर पर 178 वोटों के साथ बांग्लादेश रहा। वहीं 165 वोटों के साथ बहरेन और फिलीपींस चौथे नंबर पर रहा। नए सदस्य देशों का कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से शुरू होकर अगले 3 साल तक चलेगा। भारत इससे पहले भी 2011, 14 और 14 से 17 2 बार UNHRC का सदस्य रह चुका है। भारत का कार्यकाल आखिरी बार 31 सितंबर 2017 में समाप्त हुआ था। UNHRC यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, जिसका गठन मार्च 2006 में हुआ था। UNHRC का मोटिव विश्व भर में ह्यूमन राइट्स का प्रसार करना है और उसकी रक्षा करना है। इस परिषद में कुल 47 चुने गए सदस्य देश होते हैं, जो हर 3 साल पर इलेक्टेड किए जाते हैं। UNHRC में अफ्रीकन कंट्रीज को 13, एशियन पैसिफिक राज्य को 13, ईस्ट यूरोपियन देशों को 6 सीटें, कैरेबियन और लैटिन अमेरिका कंट्रीज को 8 सीटें तथा वेस्टर्न यूरोपियन और अन्य देशों को 7 सीटें मिली हैं। दोस्तों, ये थे UNHRC के अपडेट्स। आपको हमारा ये अपडेट कैसे लगा, आप हमें ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडे फॉर मोर वीडियोज।